20। हाँ हाइब्रिड बढ़िया आलू होगा 20-21 रुपए। स्टार्टिंग क्या है सर नीचे? स्टार्टिंग नीचे तो देखिए 18 भी बिक रहा जी, 19 भी बिक रहा, बढ़िया आलू 20-21 क्वालिटी के साथ माल बिक जी। मतलब ऐसा है ये आलू है, इसमें हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुमान होता है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि सुधार आ सकता है जी, हम कहते हैं गिरावट आ सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में, और आज किसान भाइयों आपको दिखाने वाले हैं इस समय कि आज आलू की बिक्री क्या है। राकेश आलू कंपनी और मंडी के अध्यक्ष भी हैं, और किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि आज आलू का रेट क्या है, वो मंडी के अध्यक्ष मंडी के अध्यक्ष जी से ही जानेंगे। और रेटों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है या छोटा परिवर्तन हुआ है, या आलू की निकासी कैसी क्या है, मंडी की आमद क्या है, बहुत सारी जो सवाल हैं जो किसानों के मन में हैं इस समय, वो सवालों के जवाब जो है मंडी अध्यक्ष कानपुर सब्जी मंडी के उनसे ही जानेंगे। और आज के आलू का रेट क्या है, देखिए भैया पहले दिखा दीजिएगा मंडी की आमद, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कुछ मंडी की आमद इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, 50 गाड़ी के आसपास जो है आज मंडी की आमद बताई जा रही है। और आलू का पोजीशन दिखाइए भैया, थोड़ा दिखाइए नीचे, ये देखिए आलू अलग अलग वैरायटी यहाँ पे लगी हुई हैं, वैरायटियाँ आप देख भी सकते हैं, आगे जो है लगा हुआ है ये देख सकते हैं, ये जो है लॉकर टाइप का आलू लगा हुआ है सिरसागंज का, और आगे जो है आलू की बिक्री भी कुछ इस समय चल रही है तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए भैया दिखाइएगा जरा आलू की पोजीशन, आप पहले दिखाइए पोजीशन, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारा माल कटा हुआ है और पूरा जो है व्यापारी के सामने है जो भी है। और इस समय बिक्री बात करेंगे कि रेट क्या चल रहे हैं भैया से, और आमदनी की भी बात करेंगे, और अलग अलग तरीके से जो भी वैरायटियाँ हैं सभी के रेट भी पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी मंडी की आमद बताएं। आज हमारे चकरपुर में लगभग वही 40 से 50 गाड़ी के बीच आमदनी है आगरा का और लोकल का मिला के 50 गाड़ी के लगभग हो 40। सर सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि गुजरात से भी कुछ एकाध गाड़ी आ जाई है। हाँ गुजरात से एकाध क्या गाड़ी, कई गाड़ियां भी आई है, पिछले हफ्ते में काफी गुजरात से आलू आया जी, लेकिन इधर क्या हुआ कि बाजारों में कुछ दबाव बना जी, तो उनका एवरेज आना बंद हो गया, इसलिए अब थोड़ा अराइवल कम हो गई गुजरात की। बिल्कुल, लोकल का आलू जो बढ़ रहा है छिबरामऊ कन्नौज क्षेत्र का, इटावा सिरसागंज आगरा क्षेत्र का, ये इसकी अराइवल अब ज्यादा हो गई। अच्छा धीरे तो सर लोकल में आलू जो है आ रहा है मतलब मंडी में कुल मिलाकर खूब आ रहा, किसानों को अच्छे रेट यहाँ पर बाजार में आने पे अच्छे रेटों में उनका माल बिक रहा है और पूरे वजन का पैसा मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चकरपुर मंडी में किसी आलू में किसी तरह की कोई करदा कोई छूट नहीं है, जितना वजन होगा माल का पूरे माल पूरा का पैसा किसानों को मिलता है। वो कुछ लेबर का कुछ पड़ता है चार्ज जो भी 10 रुपए का आसपास? नहीं वो देखिए ऐसा है, वो आढ़त का खर्चा रखा गया, जो आढ़ती व्यापार करते हैं हम लोग जी, तो उसका कमीशन खत्म कर दिया गया, छूट खत्म कर दी, केवल 10 रुपए पैकेट का 10 रुपए एक नॉर्मल खर्चा रखा गया जी। जो की इससे पहले जो है जो बजट हुआ करते थे और जो खर्चे हुआ करते उससे काफी राहत है ना? बहुत बड़े खर्चे थे, वो काफी बड़ी संख्या में किसानों का जो है बचत हो गई, एक एक गाड़ी में 5-5, 6-6 क्विंटल वजन किसानों का बच रहा है। बिल्कुल, जिसका पैसा उनको मिल रहा है। चलिए तो ये बात रही, अब देखते हैं आलू का रेट क्या है। आप देख सकते हैं ये आलू कटा हुआ है और कई लोग यहाँ पे मौजूद, भैया व्यापारी हैं क्या? तो भैया किसान है तो आज देखिए ये आलू है इसका क्या रेट है, इसका बिक्री जो है हो चुका है फिलहाल में, हो गया भैया? नहीं अभी बात चल रही है, बिक्री हो रही है, बात चल रही है। अच्छा तो क्या रेट की इसकी डिमांड करें? 1900 रुपए की पोजीशन में आलू मांगा जा रहा है। चालू भैया ये आलू हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड आलू है देख सकते हैं भैया, हाइब्रिड में ये नंबर एक का है या फिर सेकंड लेवल पे? नहीं एवरेज क्वालिटी माल है, नंबर एक का है। नंबर एक का तो बिकेगा 20 रुपए तक बिक जाएगा मतलब कि अगर नंबर एक का हाइब्रिड है। नंबर एक का। अच्छा भाई साहब ये वाला जो है और इसकी जो आपने डिमांड करी है 1900 रुपए का, ये 1900 रुपए का है, इसमें कुछ अभी चल रही बातचीत, बिक जाएगा। चलिए तो 1900 रुपए क्या लग क्या रहा है कि सर फाइनल किस रेट में हो जाएगी? 19 में हो जाएगा, हो जाना चाहिए लगभग, फाइनल ही है 19-20 में, थोड़ी सी बात है 50 रुपए क्विंटल का फर्क हो सकता जी, नहीं 19 में फाइनल। चलिए तो 1900 रुपए में ये फाइनल हो जाएगी, और मेरे ख्याल से मतलब आलू एवरेज क्वालिटी का है, एक नंबर क्वालिटी का होता किसान भाइयों तो 20 रुपए के आसपास। हाइब्रिड का सर यही रेट है क्या? 20। हाँ हाइब्रिड बढ़िया आलू होगा 20-21 रुपए। स्टार्टिंग क्या है सर नीचे? स्टार्टिंग नीचे तो देखिए 18 भी बिक रहा जी, 19 भी बिक रहा, बढ़िया आलू 20-21 क्वालिटी के साथ माल बिक जी, मतलब हम मान लेते हैं 17 से स्टार्टिंग करके 20 तक जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए तो आगे आइए भैया, आगे आ जाइए, इस आलू की थोड़ी बिक्री दिखाते हैं। चलिए भैया आगे थोड़ा,
उस साइड से जाओ तो ये देख सकते हैं किसान भाइयों, ये भैया कौन सा लॉकर आलू है? हाँ ये लॉकर आलू है, सिरसागंज क्षेत्र का। हाँ सिरसागंज क्षेत्र का लॉकर आलू। ये भैया किस रेट का रहेगा? ये 23 रुपए का बिका, इसमें हल्की सी चेचक है इसलिए 23 का बिका। ये देखिए 23 रुपए में सर बिका है, अगर देखा जाए तो इसमें हल्की बुल्की चेचक भी है, अगर चेचक ना होती सर तो क्या रह जाता? 24 रुपए आलू बिकता, 24 रुपए बिक जाता, 24 रुपए। तो मतलब नंबर एक क्वालिटी वाला 24 रुपए बिक जाएगा। हाँ बिक जाएगा, ये बात है। तो किसान भाई लॉकर आलू जो सिरसागंज क्षेत्र के हमें इस समय जो किसान देख रहे हैं उनके लिए ये बात है कि खबर है कि जो अच्छा आलू आपका रहेगा लॉकर वो उसी क्षेत्र में ज्यादा होता है, 23 रुपए 24 रुपए आपका बिक जाएगा, जो नीचे रहेगा वो मतलब 22-23 अच्छा रहेगा, एक नंबर टाइप का वो 24 रुपए तक का बिक जाएगा। भैया वो आलू दिखाइए जरा, ये कौन सा है सर? वो भी हाइब्रिड आलू है। हाइब्रिड आलू है सर, ये हाइब्रिड आलू लग नहीं रहा, लग रहा कि चिपसोना हो। नहीं लग नहीं रहा, वो हाइब्रिड आलू। अच्छा हाइब्रिड है, चलिए तो हाइब्रिड आलू है। अब इसे हाइब्रिड आलू की बिक्री भी दिखाते हैं भैया, ये कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा उसका हुआ रेट? 1950 का बिका, 1950 रुपए में। देखिए 1950 रुपए में किसान भाइयों इसका रेट रहा है। और क्वालिटी दिखाइए भैया एक बार जरा पास से, क्वालिटी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, एक आध दाने में चेचक है। 1950 रुपए इसका रेट बिक गया भैया, बिक गया ये 1950 रुपए में इसकी बिक्री भी हो गई। अब भैया आप जानना चाहेंगे कि हाईलैंड आलू जो कन्नौज क्षेत्र के हैं और हमारे इधर काफी हाईलैंड आलू की मात्रा होती है, तो हाईलैंड आलू का रेट क्या आज रहा? हाईलैंड आलू आज बाजार में 23 रुपए से लेके 25 रुपए तक की रही, बढ़िया हाईलैंड 25 रुपए बढ़िया रहेगा तो 25 रुपए। और वहीं सर अगर बात करते हैं हम चिपसोना ऊर्जा वाला, सोना ऊर्जा वाला भी 25-26 रुपए बढ़िया आलू बिक रहे हैं, हल्के हैं तो 23-24 बिक रहे हैं। 23-24 रुपए, अच्छा मतलब ज्यादातर बिक्री हमें लगता है कि 23-24 में देखने को मिली। हाँ ज्यादातर 23-24 में बिक रहा, बहुत सुपर क्वालिटी का माल भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। हाँ देखिए अभी जो सुपर क्वालिटी का माल है वो बाजार कम आ रहा है, तो इसलिए एवरेज वाले माल आ रहे वही रेट से बिक रहे हैं। तो सर क्या मतलब सुपर आलू का क्या कारण है जो नहीं आ तक आ पा रहा है? अभी किसानों की सोच है, वो आदमी सोचता है कि भैया पहले हम हल्का माल बेच लें, अच्छा माल थोड़ा रोक के बेच लेंगे, त्योहार बाद बेच लेंगे जी। अच्छा सर मंडी में जो सबसे नंबर टॉप का बिकता है सुना जा रहा है कि श्रीनाथ आलू है, उसका रेट क्या है इस समय? आज 26 रुपए श्रीनाथ आलू बिका, बढ़िया 2600 रुपए बढ़िया आलू, बढ़िया आलू। सर बताया जा रहा है कि 28 रुपए तक 27 रुपए तक बिक रहा है। देखिए फर्जी रिपोर्ट देने से कोई मतलब नहीं है, किसी किसान को आप 28 की रिपोर्ट देते हैं बाद में आए कि 26 का बिका तो गलत बात है। सर कुछ यूट्यूबर जैसे ऐसे हैं कि घर बैठ के जानकारी दे दिया करते हैं, तो उनसे जो है किसानों को कितना सतर्क रहना चाहिए? जो यूट्यूबर जो है गलत जानकारी देते हैं कोई भी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी यूट्यूबर जो है आलू की मार्केट का, प्याज का या किसी भी मार्केट का रेट डालता है जी, तो किसानों को उस रेट का उस दिन किसी ना किसी आरती से कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई यूट्यूबर जो है गलत रिपोर्ट डालता है तो उसके चैनल को नहीं देखना चाहिए, सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ये बात है क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जो है घर बैठ के ही आलू का रेट पता कर लेते हैं बिना फोन किए। हम लोग यहाँ मंडी तक किसान भाइयों दौड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, हम लोग जायजा लें, मंडी का अनुभव करें, अनुभव के बाद जो हकीकत जो सच्चाई सामने निकल के आए हम उस चीज को आपके सामने साझा करें, उस चीज का प्रकाश करें और उस पर आप भी प्रकाश डालें। आपके ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो हमसे फोन से अध्यक्ष जी आज की रिपोर्ट क्या है, तो मैंने उनको रिपोर्ट बिल्कुल मना कर दिया है जी। हमने आप अगर चैनल में अपडेट करना है तो आप मार्केट में आइए, मार्केट में हमारे व्यापारियों से मिलिए। बिल्कुल नहीं, अगर जैसे अपने मनगढ़ंत कहानी बना के तो नया मतलब फोन करके आपसे पूछ लिया वो एक अच्छी बात है कि चलो कम से कम रेट तो पता ले लिया है कि मंडी का अध्यक्ष जी है पता हो गया, चलो ये बात है, हकीकत तो निकल के यहीं पे आती है। लेकिन ये है कि मनगढ़ंत अपने मन से ही बताना वो गलत है, ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों बात थी। अब किसान हम अध्यक्ष साहब ये भी एक जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आने वाले समय में कुछ अगले महीने में सुधार होने वाला है क्या आलू भाव में? देखिए ऐसा है, आलू है इसमें हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुमान होता है। बिल्कुल, हम कहते हैं कि सुधार आ सकता है जी जी, हम कहते हैं गिरावट आ सकती है, कुछ ना भी आंकड़े अपने अपने जैसे क्या आंकड़े, रक्षाबंधन का त्यौहार हो जाएगा, 10 दिन बाद जो भी गणित बनेगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं किसान भाई बिल्कुल राइट बात है। देखिए इसमें जो है अपना भविष्य कोई दावे के साथ नहीं ठोक सकता है, ना बता सकता है कि आलू का समय आने वाले में क्या रहने वाला है, लेकिन किसान भाइयों आंकड़े अभी अपने अपने सभी साझा करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 दिन रक्षाबंधन के बाद बीत जाने के 10-15 दिन बाद जो है जो भी रहेगा वो सामने आ जाएगा क्या आलू का रेट है और कितना उछाल हुआ, कितना गिरावट हुई। तो ये था किसान भाइयों चकरपुर मंडी कानपुर से रेट, और आज के इस समय मौजूद थे राकेश आलू कंपनी पे, मंडी अध्यक्ष जी से बात हुई और पूरी आलू के रेट से लेकर के और आमदनी से लेकर के पूरी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी किसान भाइयों कमेंट करके बताएं। जय जवान जय।